नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा कुशवाहा और मेरे चैनल सुषमा अपनी रसोई एवं लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बिल्कुल आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, फटाफट कुकर में बनने वाले लाजवाब वेज पुलाव। वेज पुलाव झटपट और आसानी से बनने वाली एक मसालेदार रेसिपी है। वैसे तो पुलाव बनाना बहुत ही आसान है, पर कुकर में पुलाव और भी आसानी से बन जाता है। अगर आपको लगता है कि कुकर में चावल चिपक जाएंगे, तो मैं आज आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसे खिली खिली चावल वाली वेज पुलाव बनाने की आसान सी विधि बताऊंगी, जिससे बिल्कुल आसानी से आप अपने घर पर ही रेस्टोरेंट जैसी खिली खिली वेज पुलाव बना सकेंगे। इस रेसिपी की खासियत यह है कि इसे लौंग, तेजपत्ता, इलायची, दालचीनी जैसे खुशबूदार मसालों के साथ पकाया जाता है, और बनाते समय इसकी बेहतरीन भीनी भीनी आने वाली खुशबू आपकी भूख को और भी बढ़ा देती है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आप देख सकें। तो देर न करते हुए मैं वेज पुलाव बनाना शुरू करती हूँ। वेज पुलाव बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 250 ग्राम बासमती पुलाव चावल, एक कटोरी हरी मटर, एक गाजर, थोड़ी सी कॉलीफ्लावर, एक प्याज, काजू छुहारे के टुकड़े, खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसालों में मैं ले रही हूँ 2 तेज़पत्ता, 1 दगड़फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग, 10 काली मिर्च और 2 लाल मिर्च। सबसे पहले मैं बासमती चावल को अच्छे से धोकर छानकर एक प्लेट में रख ली हूँ। कॉलीफ्लावर, गाजर और प्याज को बारीक काट कर रख ली हूँ। अब कुकर गरम करके 2 चम्मच तेल डाल दे रही हूँ। तेल गरम हो जाने के बाद कटे हुए कॉलीफ्लावर, गाजर और मटर को नरम होने तक फ्राई करके एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। फिर उसी कुकर में 2 चम्मच तेल डालकर जीरा, तेजपत्ता के साथ साथ सभी खड़े गरम मसाले डाल दे रही हूँ। गरम मसाले भुन जाने के बाद बारीक कटी प्याज डालकर सुनहरे कलर का हो जाने तक भून ले रही हूँ। प्याज भुनकर सुनहरा हो गया है, तो मैं इसमें धोकर रखा हुआ बासमती चावल डालकर चला ले रही हूँ। चावल हल्की भुन जाने के बाद नमक डालकर मिक्स कर ले रही हूँ। अब 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिक्स कर दे रही हूँ। चावल अच्छे से भुन गया है,
तो देखिए अब चावल कुकर में चिपक नहीं रहा है, तो अब मैं इसमें भुने हुए हरी सब्जियां डालकर मिक्स कर ले रही हूँ। चावल को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद काजू और छुहारे के टुकड़ों को डाल दे रही हूँ। अब मैं जिस ग्लास से एक ग्लास चावल ली थी उसी ग्लास से दोगुना दो ग्लास पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढक्कन बंद कर दे रही हूँ। अब एक सीटी बजने तक पका ले रही हूँ। एक सीटी बज गया है तो मैं गैस बंद करके कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। लगभग 10 मिनट के बाद कुकर ठंडा हो गया है तो मैं कुकर का ढक्कन खोल ली हूँ। देखिए हमारा पुलाव एकदम रेस्टोरेंट के जैसा कलरफुल और एकदम खुशबूदार कितना खिला खिला बना है। लीजिए हमारा रंग बिरंगा स्वादिष्ट पुलाव खाने के लिए तैयार है। इसे आप चने के छोले, दाल तड़का, दही, चटनी या फिर पापड़ के साथ खा सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो में लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।